विधायक की एक घोषणा पक्की, प्रतला उपमंडल सरकार बनने पर अगर आती है तो मैं अभी लेता हूँ जी आपसे। 100% से ऊपर हो तो वार लगा ले, पक्की तो पक्की रहेगी। ठीक है जी, अब जनता के साथ सुना कह के भी जा रहे, 5 साल पीछे बुला लिए, ना बने छोड़ देंगे विधायक बने। ठीक है जी, 34 गांवों में सिलसिले में हमारी जो मांग है उसको उपमंडल का दर्जा दिया जाए, हमें शहरों में नहीं जाना पड़े। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले देश रोजाना ने एक मुद्दा उठाया था कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र यानी कि जो तहसील और उप तहसील तो बन चुका था, प्रथला को सब डिवीजन बनाया जाए। देश रोजाना ने अपने कॉन्क्लेव के अंदर इस मुद्दे को लेकर के प्रथला के नेताओं से बात भी की थी और उस समय कांग्रेस के नेता रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा था कि अगर वो विधायक बने तो पहली कलम से या पहली उनकी जो मांग होगी वो चलेगी प्रथला को उपमंडल बनाने के लिए, सब डिवीजन बनाने के लिए। और आज विधानसभा के अंदर बोलते हुए प्रथला के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने सरकार से मांग की कि प्रथला के किसी भी बड़े गांव, नाम लिए प्रथला, अलावलपुर, दयालपुर, किसी बड़े गांव को उपमंडल बनाया जाए, सब डिवीजन बनाया जाए। इस मुद्दे को लेकर के यानी कि क्योंकि प्रथला विधानसभा पूरे हरियाणा के अंदर अगर कहें तो प्रथला एक ऐसी विधानसभा है जिसका कोई सब डिवीजन नहीं है, जिसका कोई अपना, अगर प्रथला के क्षेत्र के लोगों को कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो फिर ये दो जिलों में बटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। कुछ हिस्सा इसका पलवल जिले में आता है लगभग 35% और लगभग 65% हिस्सा इसका फरीदाबाद जिले में आता है। अगर पुलिस की बात जाती है तो कहीं चक्कर लगाने पड़ते हैं पलवल के एसपी के, तो कहीं फिर जाना पड़ता है डीसीपी बल्लभगढ़ के पास। अगर कभी कुछ ऐसा मौका बन जाए कि प्रशासनिक समस्याएं हों तो फिर 35% एरिया ऐसा है जिसको पलवल के डीसी और पलवल के एसडीएम सुनते हैं, तो फिर 65% एरिया ऐसा है जिसके लिए फरीदाबाद के डीसी और बल्लभगढ़ के एसडीएम के पास जाना पड़ता है। इसलिए बात चली थी कि प्रथला को अलग से उपमंडल बनाया जाए और आज विधानसभा के अंदर देश रोजाना की आवाज़ में अपनी मांग मिलाते हुए और जो उन्होंने ऐलान किया था, वायदा किया था कि पहली आवाज़ जो उठेगी वो प्रथला उपमंडल के लिए उठेगी, आज उन्होंने विधानसभा के अंदर प्रथला को सब डिवीजन बनाने की मांग की। सुनिए क्या कहा रघुवीर सिंह तेवतिया ने। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सरकार ने पहले कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, दुगनी तो नहीं हुई लेकिन लागत ज़्यादा बढ़ गई और आज जो किसान है वो खाद की लाइन में लगा हुआ है, डीएपी की बिजाई हो रही है लेकिन आज वो मिल नहीं रही और टोकन के द्वारा मिलती है और जब शाम को, सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं तो कई बार कह दिया जाता है स्टॉक नहीं है लेकिन जब मिलता भी है एक एक दो दो कट्टे तो उसके साथ जो नकली दवाइयां हैं उसको देने का काम करते हैं, उस पर रोक लगाने की जरूरत है। स्वास्थ्य के मसले में प्रथला में पूरा जो पृष्ठभूमि है, प्रथला फरीदाबाद जिले में पड़ता है, देहाती क्षेत्र है, 104 गांव हैं, कोई शहर नहीं है। तो मेरा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है तो जीटी रोड पे पड़ता है, बल्लभगढ़ से शुरू होता पहला गांव पिछड़े हल्के का है, इधर पलवल से चलते हैं तो पहला गांव पिछड़े हल्के का पड़ता है, जीटी रोड पर एक ट्रामा सेंटर बनाया जाए, ये मेरी मांग है। अब जो कहते हैं स्वच्छता अभियान चलाते हैं आप लेकिन दूसरे क्षेत्र का, पलवल क्षेत्र का जितना भी कूड़ा करकट है उसका जो डालने के लिए
हमारे फिरोजपुर गांव है और डंपिंग सेंटर बना दिया, जबकि बिल्कुल पास में गांव है वहाँ बीमारी फैलने का डर है। कितने बार कितने लोग बीमार हो जाते हैं। आसपास फिरोजपुर गांव केवल दो किलोमीटर 200 मीटर है, 500 मीटर आला पर है, 1 या 1.5 किलोमीटर अगवान पर है। तीनों गांवों के लोग परेशान हैं, तो उसको हटाकर पलवल के कहीं भी वो अपने डंपिंग का सेंटर बनाया जाए, कूड़ा करकट दूसरे क्षेत्र का हमारे क्षेत्र में क्यों डाला जाए, ये मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। इसी तरह हमारे वहाँ सड़कों का बुरा हाल है, अगर मैं गिनवाने लगूंगा तो समय नहीं है, केवल आपको बताना चाहता हूँ ज्यादा से तर सड़कें जर्जर हालत में हैं। कई सड़कों पर केवल रोड़े डाल दिए हैं, अभी तार को नहीं डलाया, आगे सर्दी का मौसम आने वाला है तो उसे जल्दी से करवाने का सरकार से आपसे निवेदन है। और पलवल जिले में मेरा जो क्षेत्र है पृथला, वो दो जिलों में पड़ता है। पलवल के 34 गांव हैं, फरीदाबाद के 70 गांव हैं, और वहाँ कोई उपमंडल नहीं है। हमें दूसरे हलकों में, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है छोटे छोटे कामों के लिए। तो आपके माध्यम से मेरा निवेदन है सरकार से, पृथला के 34 गांवों में, पृथला हमारी 9 से 14 मुझे सेवा करने का मौका दिया था वहाँ की देवतुल्य जनता ने, तो वहाँ 34 गांवों में पृथले में हमारी जो मांग है उसको उपमंडल का दर्जा दिया जाए, हमें शहरों में नहीं जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पहले ही ब्लॉक का दर्जा हमारे कांग्रेस पार्टी के राज में माननीय हुड्डा साहब ने वहाँ बनाने का काम किया था। और इसी तरह फरीदाबाद के जो 70 गांव हैं उसमें भी कोई उपमंडल नहीं है, ना कोई शहर है हमारे, ना कोई कस्बा है। 3 बड़े गांव हैं, 2 उपतहसील बनाने का काम किया था हुड्डा साहब की सरकार ने 9 से 14 के बीच में। तो मोहना बड़ा गांव है, मोहना दयालपुर दोनों जगह उपतहसील हैं, फतेहपुर, तीनों बड़े गांव हैं। 70 गांवों में कहीं भी, इन 3 बड़े गांवों में सरकार जहां भी चाहती है वहां उपमंडल बनाने का काम करें, ये मेरी मांग है। इसी तरह हमारे पलवल जिले के जो 34 ग्राम है उसमें जनाब कोई महाविद्यालय नहीं है, अलावापुर गांव में 20,000 की जनसंख्या है, वहां पर एक महाविद्यालय खोला जाए। और बल्लभगढ़ जो ब्लॉक है उसमें जो हमारे 70 गांव हैं वहां से 29 सदस्य हैं ब्लॉक समिति के, लेकिन नाम बल्लभगढ़ में है, बल्लभगढ़ का नाम बदल के उसे दयालपुर, अटाली, छायसा, जो तीनों बड़े गांव हैं और एक ही बड़े रोड पर पड़ते हैं बीच में, वहां उनके नाम से उसको बदला जाए। ठीक है, बाकी आप लिखित में दे दीजिए जनाब। श्रीमती चौधरी जनाब, एक मिनट और मैं लेना चाहूंगा, बाकी आप लिखित में देखिए, सभी सदस्यों को टाइम दीजिए, एक मिनट के समय की मर्यादा है, समय की मर्यादा। चलो ठीक है, तो मैं लिख के देना चौधरी। तो आप कितना सहमत है, क्या पृथला विधानसभा क्षेत्र को पृथला को उपमंडल का दर्जा दिया जाना चाहिए? जो हमारे फरीदाबाद और पलवल जिले के और खासकर पृथला विधानसभा क्षेत्र के दर्शक हैं वो जरूर बताएं कि क्या पृथला को अगर उपमंडल का दर्जा मिलेगा तो यहाँ कई ऐसी गंभीर समस्याएं खासकर प्रशासनिक, उनका निदान कितनी जल्दी हो सकता है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।